हेलो गाइज, मैं बीजू स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल फैंटेसी जैगुआर में आप सभी का। कल फिर से अपने ही ग्रुप के मेंबर्स का फर्स्ट रैंक मेगा जीएल में, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इन्हीं के दोस्त की हम बात करें तो सेकंड रैंक आया था, कल इनका फर्स्ट रैंक था। गाइज यहाँ पर रैंक की हम बात करें तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया रैंक यहाँ पर लेके आए मेंबर्स। कुछ नहीं, बस वीडियो में जो आपको मैंने बताया था, जो टिप्स मैंने आपको बताया थी, वही इन्होंने फॉलो किया। तो आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखने की कोशिश करना, रिजल्ट अपने आप बेहतरीन होता जाएगा। ठीक है, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आज कैसे क्या करना वो भी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा वीडियो में, एंड तक कंप्लीट देखना। देखिए गाइज, यहाँ से रैंक की हम बात करें लास्ट मैच की, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया रैंक लेके आए यूजर्स। अपनी टीम की बात करूँ तो कल देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैंने आपको जैसे कि वीडियो में बता दिया था। आज का मैच किस प्रकार से रहने वाला है, थोड़ा सा खेलने से पहले आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखने की कोशिश करना। अगर सीवीसी अगर चेंज होते तो काफ़ी बढ़िया रहता, मेरा भी मेरी जीएल में फर्स्ट टाइम आ सकता था सेम टीम से, सिर्फ एक ही टीम मैंने बनाया था। देखिए गाइज, लास्ट मैच में फर्स्ट रैंक था और यहाँ पर देखो सेकेंड रैंक। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर भी सकते हो। देखो गाइज, मैंने ये आपको शॉर्ट प्ले टिप्स दिया था। ठीक है, ऐसे टिप्स मैं आपको फाइनल अपडेट टॉस के बाद में दूंगा सीधा टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, या आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो @bijufantasyjaguars। ये मेरा ओरिजिनल चैनल है, अगर इसी के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो मेरा मेन चैनल का लिंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर मैं स्मॉल लीग टीम प्रोवाइड करता हूँ, जो अच्छे मैचेस होते हैं इंटरनेशनल मैचेस। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे बेस्ट टिप्स वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा कंटिन्यू। ठीक है, रिजल्ट आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको भी अपने रिजल्ट्स में बेहतर सुधार करना है तो कम से कम 3 से 4 दिन आप मेरे T10 का एनालिसिस फॉलो कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी रैंक में क्या सुधार आ रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में कमेंट करके बताना कल आपका कैसा रहा। अभी तक मैंने 2 ही T10 के वीडियो बनाए हैं इस सीजन के। ठीक है, आज का जो मैच है ना वो BLD और SPK के बीच में खेला जाएगा। ठीक है, वेन्यू रहने वाला ब्रियन लारा स्टेडियम वेस्ट इंडीज में यह मैच होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या हमारी समरी रहने वाली है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। प्लेयर स्टेट टॉप जीएल पिक्स, टॉप जीएल सीवीसी का रहना, सिलेक्शन परसेंटेज स्ट्रेटजी टॉप जीएल कॉम्बिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा ये मैच का आप एनालिसिस देखोगे तो आपको लगेगा देखो इतना खास मेरे को मिला नहीं है, फिर भी मैं अपनी ओर से बेहतरीन लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, थोड़ा आज फिर आपको खुद का दिमाग लगाना होगा रिकॉर्ड्स देखकर। ठीक है, क्योंकि जब ओवरशोर होगा तब आपको मैं पहले ही बता दूंगा, फिर ये नहीं रहेगा कि ये जो रहेगा वो फाइनल रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम बात करें SPK के साइड से 2 ओवर कॉल कंप्लीट डालेंगे इमरान खान। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बॉलर जेड कोहली, अखिल मोलन अदर 1 से 2 ओवर इन 3 बॉलिंग में से डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर बोल नहीं सकते, देखो ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन होंगे ना तब थोड़ा कंफ्यूजन में डाल सकते हैं कि कौन कब ओवर कराए। अब 1 ओवर लेके आ रहा है, उसमें भी 2 विकेट निकाल के लेके आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। ठीक है, BLD की साइड से हम बात करें तो कौन 2 ओवर कंप्लीट डालेंगे, तो यहाँ से हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकता है क्योंकि 5 ही बॉलर हैं जो कंप्लीट 2 ओवर डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ड्रीम इलेवन की जेल कॉम्बिनेशन की हम बात करें ना गाइस, यहाँ से तो आप क्या क्या बना सकते हो। 1 विकेटकीपर, 4 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 4 बॉलर्स के साथ यहाँ पर आप जा सकते हो, या 1 विकेटकीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर या 4 बॉलर्स के साथ यहाँ पर आप जा सकते हो। तो ये 2 GL कॉम्बिनेशन तो आप जरूर ट्राई करना। अब हम जानेंगे कि लास्ट 6 मैचों में दोनों टीम के प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया है और ड्रीम टीम में कितने पॉइंट्स दिए हैं, तो यहाँ से हमें बहुत हेल्प मिलती है कि ड्रीम टीम में कितने पॉइंट दे रहा है लास्ट 3-4 मैचों से। ठीक है, विकेटकीपर सेक्शन में हम बात करें, शहजाद अली लास्ट मैच में 36 पॉइंट, 19 पॉइंट, उससे पहले 70 पॉइंट दिए थे जब मैंने इनका वीडियो बनाया था। ठीक है, तो शहजाद अली हमारे लिए मस्ट पिक होंगे। बैटिंग सेक्शन में हम नज़र डालते हैं तो डेडन सिमिंस की हम बात करें तो ये बॉलिंग भी करवाते हैं। ठीक है, लास्ट 2 मैचों से इतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, उससे पहले हम बात करें तो 71 पॉइंट, 70 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। टेसाउन क्रिस्टो की मैं बात करूँ, जब इनका सिलेक्शन परसेंटेज 19 के समथिंग था
तब मैंने आपको इनके बारे में बताया था, तब यहाँ से इन्होंने 37 पॉइंट दिया था। लास्ट मैच में देखिए गाइज, आप 108 पॉइंट देके गए हैं ये, ठीक है। एन सिकोडिंग्स की हम बात करें तो लास्ट मैच में 82 पॉइंट दिए, उससे पहले हम बात करें तो 30 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। मेरो की हम बात करें तो काफी बढ़िया पॉइंट दे रहे हैं लास्ट 2 मैचों से। तो शॉर्टलिस्ट समरी में कौन से प्लेयर निकल के आ रहे हमारे लिए, नेडल सिमिंस, एन सिकोडी सिंह, ठीक है, मेरो बेलकन, टेसो केस्टो आ रहे हैं, ठीक है। सैजाम लास्ट मैच में 2 ओवर डाले थे, ठीक है, अगर आज फिर डालते हैं तो आप इनको ट्राई कर लेना। ऑलराउंडर सेक्शन में हम बात करें तो जेड गोली लास्ट मैच में देखो 96 पॉइंट दिए थे, मैंने इससे पहले आपको वीडियो में भी बताया था इनका सीवीसी ऑप्शन, तो वहां पर ये परफॉर्मेंस नहीं देखे गए अपना, ठीक है, बट उससे अगले मैच में अपना परफॉर्मेंस यहाँ से ये देखे गए, ठीक है, उससे उस मैच में भी 47 पॉइंट ये देखे गए थे, ठीक है। आर राम लोगों की हम बात करें तो इनका इतना खास यहाँ से नहीं है, देखो 2 पॉइंट 4 पॉइंट 12 पॉइंट ये देखे गए, ठीक है। रेड इमृत की हम बात करें तो देखो लास्ट मैच में 34 पॉइंट, उससे पहले 28 पॉइंट, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस अपना देख के जा रहे हैं। सी विंसेंट की हम बात करें तो देखो 84 पॉइंट लास्ट मैच में, उससे पहले 6 पॉइंट, फिर 33 पॉइंट है। विकास मोहन की हम बात करें तो 5 पॉइंट, 27 पॉइंट, 19 पॉइंट, इतना खास देखने को नहीं मिला इनके थ्रू। तो शॉर्टली समरी में कौन से प्लेयर निकल के आ रहे हैं, जेड बोली, रेड इमृत, सी विंसेंट, ठीक है, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो, इनमें से आप किसी 2 ऑलराउंडर या तीनों ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में हम एक बार नजर डाल लेते हैं, मालनो रिचर्ड्स की हम बात करें तो एक मैच में 40 पॉइंट दिया, फिर उसके बाद में एवरेज परफॉर्मेंस इनका रहा है। इमरान खान की मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया है, कभी नंबर 4 पर बैटिंग करने आते हैं, कभी नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं, ठीक है, तो 29 पॉइंट, 18 पॉइंट, 35 पॉइंट, 40 पॉइंट, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज बेहतरीन पॉइंट की इनकी उम्मीद करेंगे, ठीक है। पी विलियमसन की हम बात करें तो इनका भी इतना खास नहीं रहा है। अखिल मलन की हम बात करें तो 62 पॉइंट दिए थे, उससे पहले 35 पॉइंट दिए थे, ठीक है, 5 ओवर का मैच था, 1 ओवर में विकेट लेके गए थे। सानोन गर्बियल की मैं बात करूं तो 4 पॉइंट, 35 पॉइंट, 8 पॉइंट दिए हैं। अंशिल बैंगन की हम बात करें तो एक मैच में देखो 72 पॉइंट, मतलब विकेट लेने की काबिलियत है यहां से हम बात करें, पर लास्ट 2 मैचों से हम बात करें तो इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें शॉर्टलिस्ट समरी में, अंशिल बैगन, इमरान खान, शैन गर्बियल, ठीक है, मालोन रिचर्ड्स या अखिल मालोन में से किसी एक को आपको ट्राई करना है, ठीक है। ड्रीम इलेवन सिलेक्शन परसेंटेज स्ट्रेटजी की हम बात करें, ठीक है, ड्रीम इलेवन सिलेक्शन परसेंटेज स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ, अब ये मत बोलना भाई टॉप 15 प्लेयर दीजिए, यहीं से आप आज अपने टॉप 15 प्लेयर्स निकलेंगे, ठीक है। 71 से लेकर 100% के बीच में कितने प्लेयर हैं, टोटल 9 प्लेयर हैं, ठीक है। अब देखो 9 प्लेयर को लेके आप जीएल में अच्छा रैंक नहीं ला सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका हाई सिलेक्शन परसेंटेज है, ठीक है। इनमें से आप किसी 7 प्लेयर को जरूर ट्राई करना अकॉर्डिंग टू मैच, ठीक है, अगर 10 या 12 लोग हम मिलकर ट्राई करेंगे तो किसी ना किसी का परफेक्ट बनेगा टीम, फिर से मेगा जीएल में अच्छा रैंक है, मतलब कंटिन्यू आप तैयार लगे रहिए, रिजल्ट इतना बेहतरीन आता जाएगा, ठीक है। अदर 4 से प्लेयर आपको किन में लेने, तो यहां पर मैंने 7 प्लेयर बताए जिनमें से आपको 3 प्लेयर ड्रॉप करने हैं, 4 प्लेयर आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। नवीन बैट्साई की मैं बात करूं तो लास्ट सेशन जो इनका रहा था, लास्ट सीजन मैंने इनका वीडियो बनाया था, तो वहां से भी काफी बेहतरीन पॉइंट देखे गए थे, क्योंकि ओपनिंग करते हैं साथ में 2 ओवर कंप्लीट डाल देते, ठीक है। अभी इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी डाउन है, ठीक है। सेफ सीवीसी कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो लेडन सिमेंस और जेड गोली हमें सेफ सीवीसी में दिखाई देंगे, क्योंकि लास्ट मैच में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखे आए हैं, ठीक है। लेडन सिमेंस ओपनिंग करते हैं साथ में 2 ओवर कंप्लीट डाल रहे हैं, ठीक है। अब डिफरेंशियल सीवीसी क्या रहने वाले हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, अंशिल बैंगन वेरी रिस्की सीवीसी होंगे क्योंकि लास्ट 2 मैचों से फ्लॉप है, ठीक है, एक मैच में 72 पॉइंट देखे गए हैं, ठीक है। एस एड्रिन अली की हम बात करें तो वेरी रिस्की सीवीसी होंगे, रेड इमरती जीएल में आप सीवीसी बना सकते हो। तो ये था हमारा एनालिसिस, आज आपको मैं थोड़ा टीम भी पे दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको टीम बनाना है। इस टीम को देखिए आप ध्यान से, इस टीम पे कोई भी रिस्क नहीं है, बिल्कुल सेफ टीम है, सारे सिलेक्शन परसेंटेज हाई वाले प्लेयर मैंने लिए हैं। अगर हम सीवीसी पे एक बार नज़र डालते हैं तो देखो 32% कैप्टनशिप में लेडन सिमिंस का है,
ठीक है, 19% सिलेक्शन यहाँ पर हम बात करें तो जय गोली का है, 30% कैप्टनशिप में है। ठीक है, विंसेंट की हम बात करें तो 24% सिलेक्शन है सीबीसी में। तो अब गाइज यहाँ पर हम बात करें तो देखो इस प्रकार का टीम पिच भी निकल के आ रहा है, मतलब जो भी बिल्कुल सेफ टीम है। अब बताओ ये ऐसी टीम विन कर सकता है क्या? बिल्कुल, देखो सेफ टीम भी आप लोग बनाइए, उनमें एक या दो प्लेयर आप रिस्की ट्राई कीजिए तब भी बेहतरीन रैंक आ सकता है, क्योंकि T10 में आप लोगों ने देखा होगा ना तो अधिकतर सेफ प्लेयर ही परफॉर्मेंस करके जाते हैं सीबीसी में, क्योंकि मैक्सिमम मैचों में करते आ रहे हैं तो वही करके आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे वो? देखो ये दो ओवर भी कंप्लीट डालते हैं, साथ में नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं, ये भी दो ओवर कंप्लीट डालते हैं। ठीक है, देखो आप डिफरेंशियल इस टीम के साथ यहाँ पर जा सकते हो, जिसमें मैंने कैप्टनसी सी विंसेंट को दिया है, वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर इमरान खान को दिया है। ठीक है, अब आप वी सी किन किन को दे सकते हो? यहाँ पर आर इमरत को दे सकते हो या जय गोली के साथ आप जा सकते हो सेफ सी वी सी में। ठीक है, लेडन सिमिंस के अभी जब भी मैं 2-3 दिन से वीडियो बना रहा हूँ तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पर इनके साथ भी आप जा सकते हो सी वी सी में डिफरेंशियल। ठीक है, तो देखो अगर 5 टीम आप लोग बना रहे हो तो 2 टीमें तो आप लोग सेफ सी वी सी डिफरेंशियल 2-3 प्लेयर्स के साथ जाइए। ठीक है, 3 टीम आप रिस्की जाइए, जैसे कैप्टन पे रिस्क लिया तो वी सी सेफ चले गए, अगर कैप्टन सेफ है तो ऋषि विस्की पे जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टीम कॉम्बिनेशन बनाइए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद दोस्तों।